गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए आज हम कुछ जानकारी लेंगे परमाणु बम के बारे में। ठीक है, परमाणु बम। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान की कुछ जनता जो है ज्यादातर ये समझ लो कि 95% 95% इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ठीक है, इन बातों के बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, मैं इसके बारे में देखिए कुछ सोर्ट करके बता रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले इसकी थोड़ी जानकारी और फिर इसके इससे जो है बचाव के हो। ठीक है, अगर देखिए जैसे यूक्रेन और रूस का हमला हो रहा है, ठीक है, आपस में युद्ध चल रहा है। ठीक है, रूस ने जो है किस पर, यूक्रेन पर जो है युद्ध छेड़ रखा है। तो देखिए अगर परमाणु हमला हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो विनाश होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बनाए गए तो हैं लेकिन इनसे बचाव के जो है ना कोई मनुष्य ने जो कोई चीजें नहीं जो है जानकारी ली है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ क्या थोड़ी जानकारी ले लेते हैं इसकी। परमाणु बम, देखिए परमाणु बम है क्या, इसके आविष्कारक कौन है, ये इससे जो है बहुत बड़ा विस्फोट होता है और लगभग ये समझ लीजिए 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर के जो दायरे में इसके में आते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग रेंज है लेकिन ये समझो कि 100 किलोमीटर तक जो है ये जो है जमीन को और वैसे जो है बहुत नुकसान देता है। ठीक है, और इसमें कई लाख लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहला आविष्कारक कौन है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है ये इसके क्या है, आविष्कारक है। ठीक है, किसके, परमाणु बम के, इसी के फादर ऑफ द एटॉमिक बम। ठीक है, एटॉमिक बम यानी कि इसके फादर कौन कहलाए जाते हैं, ये ही इसके फादर कहलाए जाते हैं, कौन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर आविष्कारक। ठीक है, इसके देखिए पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, ये हुआ था 16 जुलाई 1945 को न्यूमोर मैक्सिको के रेगिस्तान में। ठीक है, न्यूमोर के मैक्सिको के रेगिस्तान में प्रथम परीक्षण हुआ था। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ में जो है कब, 1945 को जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा जो है ये बम डाले गए थे, दो बम। ठीक है, तो वहां पर जो जितना मतलब बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन, देखिए कुछ तो ये जमीन को जला देती है और बेकार कर देता है। ठीक है, लेकिन जो बचते हैं, जो लोग बच जाते हैं, तो दूर दूर तक तो जब इसका रेडिएशन फैलता है, ठीक है, तो उसके रेडिएशन से जो है लोग मारे जाते हैं। ठीक है, कोई अपाहिज कोई वैसा होता है, आज भी नागासाकी और हिरोशिमा में लोग अपाहिज पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं। ठीक है, वो किसका कारण है, रेडिएशन का कारण है वहां पर। ठीक है, रेडिएशन का कारण है। देखिए अगर परमाणु हमला हो जाए, ठीक है, अगर परमाणु हमला हो जाता है, समझ करो हिंदुस्तान में या कहीं भी जो है अगर परमाणु हमला होता है तो क्या होता है कि जितने नेता लोग हैं ये बड़े लोग हैं ये जो है बंकरों में चले जाते हैं, बंकरों में या न्यूक्लियर सेल्टर में चले जाते हैं। ठीक है, और जो है जो आम जनता है उसके लिए बवनी के हाथ पे या भगवान के या ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो भी होगा लेकिन वो अपना बचाव कर लेते हैं। अगर देखिए हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी सेल्टर न्यूक्लियर सेल्टर नहीं है, बस क्या होगा कि जो नेता लोग हैं वो आर्मी के बंकर में छुप जाएंगे या फिर जो है क्या होगा जो हमारी मेट्रो स्टेशन में जो है मतलब जो है यहाँ पे ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत कम है, अभी मेरठ में जो है बात चल रही है और जो है आपके कोलकाता में, ठीक है, मुंबई वगैरह में, तो यहाँ पर जो दिल्ली में आपके, तो इसके जो मेट्रो स्टेशन है सिर्फ आदमी जो है उसमें उनमें छुप सकता है। ठीक है, उनमें शरण ले सकता है, थोड़ा सा बचाव हो सकता है, लेकिन आसपास के लगभग 14-15 किलोमीटर तक तो बिल्कुल बेकार कर देता है जमीन को, ये जला देता है। ठीक है, छुपने का भी उसका भी जो है साथ ना वो हो कोई। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, तो अमेरिका द्वारा क्या हुआ, ये कब फेंके गए थे ये दोनों बम, हिरोशिमा और नागासाकी पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय आपका जब क्या हुआ था, विश्व युद्ध। ठीक है, विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय फेंके गए थे, किस पर, जापान पर, जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक है, दो पर जो है ये परमाणु बम फेंके गए थे। अब बात आती है नौ देश, देखिए हमारे यहाँ पर मतलब वर्ल्ड में जो है नौ देशों के पास में क्या है परमाणु बम, में नौ देशों के पास में। ठीक है,
अमेरिका के पास में 5,550 के समथिंग है, ठीक है, और रूस के पास में जो है 6,255 यानी कि 6,255 के आसपास, ठीक है, ऐसे ही जो है 5,550 के पास अमेरिका, ठीक है, यानी कि रूस के पास सबसे अधिक है, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, ठीक है, फ्रांस के पास, चीन के पास 350 है, भारत के पास 156 के आसपास है, ठीक है, और पाकिस्तान के पास में 165 के आसपास है, ठीक है, इसराइल के पास, उत्तर कोरिया, ये 9 देश हैं जिनके जिनके पास में परमाणु बम है, जिनके पास में परमाणु बम है, ठीक है। अब देखिए, अगर परमाणु हमला होता है, अगर परमाणु हमला होता है तो कौन सा ऐसा देश है जो बचेगा विश्व में? देखिए, बचने की उम्मीद सबसे लास्ट में, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप अमेरिका का नाम लोगे या रूस का नाम लोगे, ठीक है, ब्रिटेन या बड़े या चाइना का, ऐसे से बड़े देशों के नाम लोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इनमें कोई सा ऐसा देश नहीं है जिस जो जो है इनमें हो, ठीक है, तो अगर बचेगा कुछ कुछ जनजाति कुछ लोग बचेंगे वहां पर, तो वो एक देश है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, कौन सा, स्विट्जरलैंड। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये समझ लीजिए 114% ठीक है, यानी कि 114% लोगों को छुपाने का इनके पास में बंकर बने हुए हैं, ठीक है, 114% यानी कि वो अपने ही नहीं लगभग जो है बहुत बड़े बड़े देशों को जो है अपने अंदर छुपा सकते हैं उन बंकरों में, इतने बड़े बड़े बंकर बने हुए हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े बंकर बने हुए हैं वहां पर कि वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, और अगर एकमात्र देश बचा या कुछ लोग बचे तो वो सिर्फ स्विट्जरलैंड होगा, ठीक है, अगर परमाणु बम के हमले से बचता है, एक चीज। दूसरी बात, यहाँ के लोग जो है, लोगों ने 200 साल से, ठीक है, 200 साल से कोई युद्ध नहीं किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखिए 200 साल से युद्ध नहीं किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है ये बिल्कुल जो है ना चुपचाप बैठे हुए, ठीक है, इनके पास सब कुछ है, उन्होंने जो है बचने के लिए, देखिए इन्होंने क्या करा, 5,000 6,000 ऐसे बना रखे हैं इन्होंने बम, लेकिन एक चीज बताइए मुझे, बचने का किसी के पास में कोई हिसाब नहीं है, ठीक है, बस बना बना के जो है रख रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर यहाँ पर युद्ध होता है तो ये क्या देश बचेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे, लेकिन जो चुपचाप पड़ा शांति प्रिय, मैं तो ये कहूंगा शांति प्रिय है, ठीक है, किसी से युद्ध नहीं, बेमतलब की आफत मोल नहीं लेता वो, ठीक है, और इसने 200 साल से कोई युद्ध नहीं किया किसी देश से, ठीक है, वो है स्विट्जरलैंड, और अगर बचता है तो ओनली स्विट्जरलैंड ही बचेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए, हम इससे थोड़े बचाव के जो है थोड़े से जो इसके दायरे से, यानी कि 50-100 ये समझिए कि 40-50 किलोमीटर से दूर जो रह जाएंगे, ठीक है, और वो लोग बच जाते हैं, तो उनके लिए जो है थोड़ी सी गाइडलाइन है और होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को शायद नहीं पता, ठीक है, मैं ये कहूँगा कि 90-95% लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। देखिए मैं फिर बताऊंगा आपको बात, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, यहां पर जो आपकी न्यूक्लियर सेल्टर है उन्हें बनाने के लिए, देखिए जो भी घर बनाएगा स्विट्जरलैंड में, जो भी व्यक्ति घर बनाएगा उसको एक न्यूक्लियर सेल्टर उसमें बनानी होगी, ये जो है सरकार का रूल है, ये सरकार का रूल है कि एक सेल्टर जरूर बनाएगा, न्यूक्लियर सेल्टर यानी कि तहखाना बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड जो होते हैं, ठीक है, उन्हें न्यूक्लियर सेंटर बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर रूल है ये, जबकि वहां पर देखिए कोई बम नहीं है, लेकिन देखिए जो इतने बड़े बड़े देश हैं और लोग इतने मालदार, अभी बात है हिंदुस्तान में जो है न्यूक्लियर सेंटर नहीं है, ठीक है, किसी ने बना रखी हो एक आध वैसे वो चीज अलग है अपने घर में, लेकिन जो ना यहाँ पर कोई इस तरह का रूल नहीं है और कोई लोग जागरूक नहीं है, बिल्कुल भी जागरूक नहीं है यहाँ के, ठीक है, लोगों के पास खूब पैसा, जिसके पास भी उसने भी बचाव का कोई रूल ले रख रखा, अगर हिंदुस्तान पे किसी वजह से अटैक या कोई भी वो कर देता है तो यहाँ पे बचाव के जो है ना कोई वो नहीं है रूल, ठीक है, किसी के पास में कोई जो है किसी तरह का हिसाब नहीं है, ठीक है, जो लोग जो है बहुत मालदार हैं, लेकिन पता होना चाहिए और ये बनाकर रखने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है अगर ये बने हैं तो हो सकता है इनका यूज भी कभी हो, ठीक है, 10-20-50 साल में जरूर इनका यूज होगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है हम इसके कुछ अलग जानकारी ले लेते हैं, बचाव में जो है थोड़ा सा कैसे, ठीक है, चलिए।
देखिए इसी के साथ साथ में जब स्विट्जरलैंड का नाम आया तो मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहां पर स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड देखिए यहां पर 175 दिन की, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है 175 दिन की आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी ट्रेनिंग, ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है 175 दिन की यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, 175 दिन की। और इसके बाद में वह व्यक्ति जो है वहां पर जो है अपनी बंदूक वगैरह यानी कि कुछ भी हथियार रख सकता है, ठीक है, कुछ भी अपने रख सकता है। अब देखिए मैंने बताया आपको 200 साल से कोई युद्ध नहीं किया इसने, लेकिन जो है यहाँ पर एक चीज हो, यहाँ की जो सड़कें हैं, ठीक है, यहाँ की जो सड़कें हैं टोटल रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है। और अगर कोई सा देश इसकी तरफ आएगा, ठीक है, तो वो फौरन जो है रिमोट कंट्रोल से उसे ध्वस्त कर देंगे वहां से, उनका रास्ता बंद, ठीक है, ओनली क्या आएंगे ऊपर से वायु से, ठीक है। तो इन्होंने जो काफी हद तक जो है ना देखिए रिमोट कंट्रोल रोड बना रखी है, और जो है 26 जो है ऐसे वो बनाए हुए बंकर वहां पर जो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, जो दिखाई नहीं देते, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है, और मतलब अपनी तरह से जो है पूरी सेफ्टी से ये लोग रह रहे हैं, ठीक है, इनका जो है ज्यादातर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो जाएगा वो जो है खुद ही धोखा खाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ स्विट्जरलैंड के बारे में, ठीक है। अब जो है हमें कुछ वैसे बचा उससे बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इससे कुछ बचा के बचाव के जो है कुछ उपाय हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बात बताऊं, जहां पर भी ये बम गिरेगा, ठीक है, जो बम गिरेगा ये, ठीक है, तो यहाँ की कुछ जमीन को तो बिल्कुल ये खत्म कर देगा, ठीक है, खत्म कर देगा, लेकिन जो बचेंगे, देखिए इस तरह से जो है गुब्बार सा उठेगा, ठीक है, जमीन को यानी कि बिल्कुल जो है जमीन के नीचे से जो है एक सोलर की तरह मतलब आग बन के उसके आग की बरसात, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा गुब्बारा सा, ठीक है। और ये जब ऊपर से गिरेगा कुछ तो जब मारे जाएंगे जब ये आके फटेगा, ठीक है, कुछ जो है जब ये ऊपर से आएंगे ना ये इनकी आग की बरसात होगी, इनकी गोल इनकी उनकी, ठीक है, इस तरह के मतलब जो लावा की लावा आएगा ऊपर से, ठीक है, तो उसमें मारे जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी बचेंगे यहां से कुछ दूरी पर जो है फिर इसका इस तरह से रेडिएशन का असर होगा, ठीक है, रेडिएशन हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी कि रेडिएशन का असर होगा, इससे रेडिएशन फैलेगा, तो कुछ लोग तो यहाँ पर मारे जाएंगे, ठीक है, उन्हें तो कोई बचाने वाला है ही नहीं, ठीक है। फिर कुछ जो है इसके लावे से फिर भी देखिए कुछ हद तक अगर इसका हल्का असर जाएगा तो वहां पर जो है शेल्टर में जो छुप जाएंगे नीचे, ठीक है, तो वो जो है कुछ वहां पर लोग बच सकते हैं, और वो तब तक बाहर ना निकले, कम से कम अगर आप थोड़ी दूरी पर हो, ठीक है, और आप वहां पर सेफ रह सकते हो, ये है कि खाना पीना उसका, तो आप कम से कम एक महीने से पहले बाहर ना निकले, ठीक है, एक महीने से पहले बाहर ना निकले, ठीक है। देखिए केंद्र को ना देखें, जहां पर परमाणु बम गिरा है उसको देखने की कोशिश कभी करें ना, ठीक है। सेना के बंकर, इनसे बचाव के जो है स्थान क्या है, सेना के बंकर, मेट्रो अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वो उसके स्टेशन, ठीक है, मजबूत बिल्डिंग के बेसमेंट, ठीक है, एक मजबूत बिल्डिंग है नीचे बेसमेंट बना हुआ तो फौरन उसमें चले जाए इसी स्थिति में, ठीक है। सेल्टर हाउस, मैंने ये बताया, इसे भी सेल्टर हाउस बोल सकते हैं, और सेल्टर हाउस अलग से बने होते हैं बहुत मजबूत, कम से कम जो है 6-7 फीट, 5 से 6-7 फीट तक जो है नीचे अंडरग्राउंड बिल्कुल, ठीक है, इसमें, और कम से कम इसमें यहां पर जो है कम से कम एक महीने का खाना होना चाहिए, ठीक है, पानी सेफ होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन का असर जो है वो कुछ लोग वैसे मरेंगे, कुछ जो है इसके लावे से मर जाएंगे, और कुछ जो बचेंगे वो रेडिएशन से मर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है एहतियात बहुत जरूरी है, तो एक महीने तक कम से कम बाहर ना निकले, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर इसके आसपास हो, ठीक है, और आप बेसमेंट में किसी में उसमें हो, तो देखिए आपके पास में रेडियो होनी जरूरी है, क्योंकि रेडियो से सारे जो इंटरनेट और वो कनेक्शन कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो रेडियो पर ही जो है इसकी खबर मिलेगी, तो रेडियो जो है वो बहुत जरूरी चीज है, और वो भी सेल वाला, ठीक है, और बैटरी और दवाई, क्योंकि इसमें बुखार उल्टी, मैं बता रहा हूँ रेडिएशन का असर से जो है क्या होगा, खून की उल्टी, मितली, ठीक है, चक्कर आना, इस तरह की वो बनेगी, तो दवाई जो है बुखार भी हो सकता है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं, तो दवाई का होना जरूरी, ठीक है, बैटरी, रेडियो, मैं बता रहा हूँ, पैकेज खाना बंद, मतलब जो है बहुत हिफाजत से, ठीक है, बोतल बंद पानी होना चाहिए, ठीक है,
क्योंकि उस टाइम में अगर आसपास का पानी भी होगा ना, वो भी रेडिएशन से बहुत जहरीला हो जाएगा, ठीक है, जहर मिला हुआ होगा उसमें, ठीक है, जहरीला हो जाएगा वो पानी, ठीक है, जहरीला एकदम। देखिए एहतियात बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी कहां क्या होगा, ठीक है, तो इसलिए जो है अपना एहतियात बरते और इस तरह का एक महीने का खाना बिल्कुल अपने साथ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और देखिए मैं तो ये कहूंगा कि जो है हिंदुस्तानियों को जो है ये सेंटर बनाने चाहिए, जो भी कुछ बने, ठीक है, बनाने चाहिए हिंदुस्तान सरकार को भी और कुछ अन्य उनको भी, ठीक है, लोगों को, क्योंकि स्विट्जरलैंड फिर मैं बताऊंगा कोई परमाणु बम नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, किसी तरह से लड़ नहीं रहे वो जाके, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अपनी हिफाजत कर रखी है, ठीक है, बहुत हिफाजत कर रखी है। अगर लास्ट में कुछ बचा तो बस वहीं पर बचेगा, ठीक है, वहीं पर ही बचेगा। रेडिएशन, देखिए रेडिएशन का बहुत बुरा असर होता है, ठीक है, तो रेडिएशन से बचाव के लिए जो है थोड़ा सा जो है अपने एहतियात जरूरी है बहुत। अगर किसी वजह से आप रेडिएशन के उसमें आ जाते हो तो फौरन जो है अपने ऊपर मतलब जो है नहा लो, या फिर जो ना अगर नहाना ना हो तो हल्का हल्का पानी से ऊपर लो, और हैंड सैनिटाइजर से जो ना जो हैंड सैनिटाइजर है उससे जो है अपना अपने आप को साफ कर लो, ठीक है। चलिए ये बचाव के कुछ हुआ है, तो देखिए मैंने कोशिश करी है, मतलब इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन जो थोड़ा सा जो है जागरूक करने के लिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो है युद्ध चल रहे हैं और हो सकता है कि आगे को भी जो है 10-50 साल में जरूर ये कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो चलिए जय हिंद जय भारत, ठीक है, और ऊपर वाला करे कि जो है ऐसा कुछ ना हो कभी, ठीक है, हमें ऐसा ना देखना पड़े, दुआ करना इस चीज की, ठीक है, ये बहुत बुरी स्थिति होगी, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।